नमस्कार, मैं अंजू कुमारी द वर्ल्ड एजुकेशन मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फार्मेसी क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कोनियम मैकुलेटम के गुणधर्म एवं इस औषधि का उपयोग कौन कौन सी बीमारियों में किए जाते हैं, इन सभी बातों पे मैंने चर्चा की थी। और आज मैं आपको कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस पे बात करने जा रही हूँ, जिसका प्रचलित नाम सेफर्ड्स पर्स है और यह क्रूसीफेरी परिवार से आते हैं। यह पौधा जो है वो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में पाए जाते हैं, भारत में यह पौधा नहीं पाए जाते हैं। औषधि निर्माण के लिए संपूर्ण भाग यानी इस पौधे का संपूर्ण भाग प्रयोग में लाए जाते हैं। इस औषधि का प्रभाव मुख्यतः मूत्र संस्थान पर होता है यानी किडनी और यूरेथ्रा पे इस औषधि का प्रभाव होता है। पेशाब में जलन हो, पेशाब के दौरान खून आता हो, गर्दन में दर्द हो, इन सभी बीमारियों में इस औषधि का उपयोग किया जाता है। इस औषधि में सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह औषधि जो है वो बिल्कुल विषहीन प्लांट से तैयार किए जाते हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार की जहर नहीं पाई जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप भी इस पैथी में यानी इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में रुचि या इंटरेस्ट रखते हैं या यह कोर्स करना चाहते हैं तो द वर्ल्ड एजुकेशन मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में संपर्क करें, जिसका प्रवेश ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हो रहा है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो संस्था में आके ऑफलाइन एडमिशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी एडमिशन करवा सकते हैं। आने में आपको परेशानी हो रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऑनलाइन भी एडमिशन करवा सकते हैं। दोनों तरीके से प्रवेश आरम्भ है। जो हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, वेबसाइट भी दिया हुआ है, आप नंबर पे संपर्क करें, वेबसाइट सर्च करें। धन्यवाद।